क्वेश्चन नंबर 8, एक्स इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, वाई इक्वल टू ए साइन टी। पहले इसको डी एक्स बाई डी टी निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गया। अभी कॉस टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन टी, लॉग एक्स का 1/x होता है, तो एक्स का जगह पर टेन टी बाई टू है, तो 1/10 टी बाई टू आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, तो टेन टी बाई टू का फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो टेन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई टू, और उसके बाद यहाँ पर टी बाई टू है, तो टी बाई टू को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2। ओके, तो इस तरह से इसमें आया माइनस साइन टी प्लस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय साइन टी बाई टू बाई कॉस टी बाई टू, और इंटू सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर टी बाई टू इंटू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस यहाँ से कैंसिल होगा, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाई टू इंटू कॉस टी बाई टू। तो 2 sin x cos x होता है sin 2x, यहाँ पर हाफ एंगल है तो हो जाएगा t आ जाएगा उसमें, तो माइनस साइन टी प्लस 1/sin t। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा साइन टी साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर टी प्लस 1, 1 - sin² cos स्क्वायर होगा, तो a cos स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ये डी एक्स बाई डी टी आ चुका है। अब डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, ठीक है। नाउ डी वाई बाई डी टी, तो ए साइन टी, ए का तो ए ही रहेगा, साइन टी का कॉस टी हो जाएगा। अब डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो ए कॉस टी अपॉन ए कॉस स्क्वायर टी, और नीचे में साइन स्क्वायर आएगा तो वो ऊपर चल जाएगा, साइन टी हो जाएगा। एक कॉस कट गया, ए भी कट गया, साइन टी अपन कॉस टी हो जाएगा कॉट टी, इसका आंसर हो गया, ठीक है। डिवाइड जब किए तो ए कॉस टी और कॉस स्क्वायर, और ये जो साइन टी है वो नीचे में था तो ऊपर चला जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल, ए ए कैंसिल, साइन बाई कॉस हो गया कॉट टी, साइन बाई कॉस है तो ये हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, सॉरी टेन टी हो जाएगा, टेन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्स इक्वल टू ए कॉस सॉरी ए सेक थीटा, वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा निकालेंगे, तो ए तो बाहर आएगा, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डी वाई बाई डी थीटा फाइंड करो, बी कॉन्स्टेंट है बाहर, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, इसमें एक सेक कट गया, बचा बी बाई ए, ये जो सेक बचा है उसको हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और टेन थीटा जो बचा है उसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये कॉस कैंसिल हो गया, साइन ऊपर चल देगा तो आएगा बी बाई ए कोसेक थीटा, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा जब निकालेंगे तो ए तो बाहर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसमें यू इंटू वी फॉर्म लग जाएगा, थीटा को बाहर निकालेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को बाहर निकालेंगे तो थीटा का हो जाएगा 1।
तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर इसको काट देंगे तो आएगा ए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू आया। अब डी वाई बाई डी थीटा निकालो, तो इसमें एक कांस्टेंट है बाहर, साइन का हो गया कॉस थीटा, और यहाँ पर यू इंटू वी लगाना है। थीटा बाहर रखेंगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस प्लस होता है लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस आएगा। अब कॉस थीटा को बाहर निकाल देंगे, थीटा का तो 1 होता है, यहाँ पर कॉस कॉस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ए थीटा साइन थीटा हो गया इसका आंसर। अब दोनों को डिवाइड कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल, तो ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा 10 थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, एक्स इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है। तो पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगर रूट में रहता है तो 1/2 √x हो जाता है, तो 2√a^2 sin−1 t हो गया, ठीक है। फिर a^x क्या होता है, a^sin−1 t इंटू लॉग ए, ये a^x का फॉर्मूला है। अब a^x की जगह पर यहाँ पर है sin−1 t है, तो sin−1 t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 − t² यहाँ पे t है तो t² आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे रूट को, तो क्या होगा, a^sin−1 t इंटू √a^sin−1 t अपॉन, इसका रूट हट जाएगा, a^sin−1 t हो जाएगा, और इंटू लॉग ए तो रहेगा अपॉन 1 − t², ये कट गया। तो डी एक्स बाई डी टी आ गया √a^sin−1 t लॉग ए बाई 2√1 − t², ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, उसमें कॉस था डी ए टू द पावर cos−1 t बाई डी टी, ठीक है। ये देखो 1/2 a^cos−1 t, फिर a^x का a^x ही होगा, साथ में लॉग रहेगा, फिर cos−1 t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/√1 − t² होता है। यहाँ भी जब रैशनलाइज करोगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा a^cos−1 t इंटू लॉग ए बाई 2√1 − t², देयरफॉर डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, इसको लिखो a^cos−1 t इंटू लॉग ए अपॉन 2√1 − t², और पीछे जो वैल्यू आया था उसको रिसिप्रोकल कर देंगे, पीछे आया था 2, इसमें माइनस भी है ना, यहाँ पे पीछे आया था 2√1 − t² अपॉन √a sin−1 t मल्टीप्लाई लॉग ए, लॉग ए कट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी टी कितना आया, −a^cos−1 t अपॉन
एट द पावर साइन इनवर्स टी। तो एट द पावर कॉस इनवर्स टी वाई का वैल्यू है और ये साइन का वैल्यू है, सॉरी एक्स का वैल्यू है। तो प्रूफ हो गया डी वाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। ओके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है।